हेलो एवरीवन, आज लेंगे एनालाइज पार्ट पांच चार्ट। सबसे पहला है 16/2/1977 12:45 AM यानी रात के 12:45 AM पुणे महाराष्ट्र। जॉब एंड मैरिज, आपकी जॉब और मैरिज के स्टार बने हुए हैं 25/7/2019 से लेके 30/10/2019 के बीच में। आगे चलते हैं 8/6/1999 8 PM वाराणसी, क्या मुझे इस मंथ जॉब मिल जाएगी? कैंसर लगन में ऐसा कहती हूँ कि गुरु वक्री चल रहे हैं, सिक्स हाउस में हैं केतु और शनि, हर काम लेट होगा, लेकिन 5 नवंबर का मुझे बहुत इंतज़ार है। तो आपके स्टार बने हुए हैं 17/10/2019 से लेके 3/3/2020 के बीच में आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। आगे चलते हैं 12/6/1985 6:50 AM डेमो MP, जॉब छूट चुकी है, डिप्रेशन है और मुझे जॉब करना चाहिए, बिजनेस और शादी कब होगी? सबसे पहले है कि आपको जॉब करनी है और शादी कब है? शादी आपकी 5 नवंबर से लेके 30 मार्च के बीच में। इसमें लड़की कब आएगी? 15/9/2019 से लेके 14/1/2019 के बीच में, क्योंकि कहीं भी फैमिली आपकी इन्वॉल्व नहीं हो रही। मिथुन और धनु वाले ये मत पूछे मैरिज होगी, उनकी होगी ही, क्योंकि कर्म फल इच्छा। और 5 नवंबर से गुरु डायरेक्ट हो जाएंगे, आप देख लो शनि केतु और राहु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। अगर दोनों भाव ले तो आमने सामने ही आ जाते हैं, मिथुन के सामने धनु है तो धनु के सामने मिथुन। तो मैरिज के लिए दो प्लैनेट का आना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ तो तीन तीन दिग्गज प्लैनेट है जो मैरिज करवा रहे हैं, यानी आपका कर्म भी है, आपकी इच्छा भी है और आपकी डेस्टिनी में ये लिखा गया है। आगे चलते हैं 2/8/1984 टाइम रात के 00:35 AM आनंद गुजरात। हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंस, डिप्रेशन और इन्होंने रेमेडी भी पूछी है। देखिए आपके लिए सॉरी है, क्योंकि शनि आपका एग्जॉल्टेशन है, उसकी मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, आपका 11th हाउस गेन और प्रॉफिट चुकी है, नहीं आपकी गाड़ी चलेगी 2032 और 38 के बीच में आपकी आई चलाई है। आपके लिए मंत्र है ओम कार्तिकेय नमः, और ये मंत्र आपने सारी ज़िंदगी करना है। आगे चलते हैं 18/11/1989 11:32 PM लखनऊ, बिजनेस और मनी। आपके लिए भी सॉरी, डू जॉब, क्योंकि ना तो उसमें पैसा बोल रहा है ना बिजनेस, और बिजनेस हमेशा इन्वेस्टमेंट मांगता है। मैं बहुत रेयर कॉम्बिनेशन देखती हूँ बिजनेस के, आपके लिए भी सॉरी। तो आज हमारे 5 चार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, इसी तरह मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और समस्या लिख के भेजिए। मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ, ये मैंने पहले भी बोला, यहाँ कोई भी मैं सीक्रेट रिवील नहीं करती, लेकिन कारण ज़रूर बताती हूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मतलब ट्रुथ बिहाइंड द स्टार, लॉजिक बिहाइंड द स्टार। तो आपको कारण पता होंगे, इससे क्या होगा, सिर्फ मन शांत हो जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मंत्र शक्ति से आपके रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ रास्ते बनने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए, और ये सोचकर कभी किसी से मत जुड़िए कि कोई चमत्कार होगा। आपका कर्म अकाउंट है, आपको क्लियर करना है, इसलिए आपका जन्म हुआ है। अगली बार मिलते हैं एनालाइज पार्ट में, बाय।